तो आज हम बनाने वाले हैं ये आलू के पराठे। तो देखिए कितने आसानी से मैं इतने अच्छे आलू को उबाला है कि आसानी से छिलका भी निकल रहा है। और आपको ऐसा ही सॉफ्ट आलू को करना अगर पराठा बनाना है तो। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए मैं पराठे बनाती हूँ कैसे आलू के, और वीडियो में बने रहिए। तो अभी मैं आलू छिल के रख लेती हूँ। आलू मैंने पूरे छिल लिए हैं, आप देख रहे हो एकदम बढ़िया से। और अभी हम ये प्याज वगैरह कट कर लेंगे अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है और इसका छिलका निकाल लूँगी इसको अच्छे से, क्योंकि प्याज अभी बारिश की वजह से बहुत गंदे आ रहे हैं। तो इनको छिलने के बाद प्लीज़ धो लीजिएगा। तो अभी मैं हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक काट लूँगी। और आपको जितनी हरी मिर्ची चाहिए आप उतनी ले सकते हैं। मैंने 3 मिर्ची ली है, बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। ऐसे ही मैं प्याज को भी चॉप कर लूँगी अच्छे से, एकदम बारीक बारीक काट लीजिएगा प्याज को। प्याज मेरा अच्छे से चॉप हो चुका है, हरी मिर्ची मैंने काट ली है। अभी मैं थोड़ी सी लहसुन लूँगी, तो यहाँ पे मैं लहसुन को भी अच्छे से ऐसे छील लूँगी। ज़्यादातर आप लहसुन को नाइफ की सहायता से ही साफ कीजिएगा, क्योंकि बहुत न्यू लहसुन बहुत वो सा आता है टाइट, एकदम छीलने में बड़ा मुश्किल होता है और नाखून में लग भी जाती है। इसको मैं अच्छे से इसमें कूट लूँगी, बहुत आसानी से लहसुन को एकदम बढ़िया टेस्ट बन जाता है लहसुन का। तो अभी मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें मैं आलू को सारे को डाल देती हूँ। अगर आपके पास आलू मेस करने वाला है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी से हैंड से हो जाता है। और हाथ से जो काम करने का मज़ा होता है वो मशीनों से नहीं होता है, सही बात है ये। तो मैं अच्छे से हाथ से ही कर रही हूँ, एकदम अच्छे से मेस करना है तभी आलू के पराठे अच्छे बनेंगे। और अभी देखो हो चुका है, तो मैं इसमें हरी मिर्ची, प्याज कटा हुआ और जो लहसुन हमने लिया था उसको भी अच्छे से डाल दो। अब इसमें के अंदर हम डालेंगे सूखे मसाले जो हमें क्या क्या चाहिए। तो लगभग इसमें सारे मसाले ही डालने वाली हूँ मैं। जैसे सूखा धनिया डाल दीजिए 1 स्पून, आपके पास कोई भी स्पून है ऐसे से डाल दीजिए आप भर के, चाय वाली स्पून जो होती है स्टील की खाना खाने वाली। और मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची ली है 1/2 चम्मच। उसके बाद मैं डालने वाली थोड़ी सी हल्दी, जिससे क्या होता है पराठों में कलर अच्छा आता है एक। और हल्दी वैसे यूज करनी चाहिए, एंटीबायोटिक होती है। और यहाँ पे स्वाद के अनुसार आपको नमक लेना है, वो भी आप डाल दीजिए आपके स्वाद जिसे आप खाते हो उस हिसाब से, क्योंकि नमक सही नहीं होगा तो पराठे भी टेस्टी नहीं लगेंगे हमें। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, उससे क्या होता है पराठे में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसे। तो अभी मैं डालने वाली हूँ ये धनिया, जो मैं अभी अपने गमले में से तोड़ के लाई हूँ, एकदम ताज़ा धनिया है। तो इसको हम ऐसे ही हाथ से तोड़ के डाल देंगे, ऐसे ही अच्छा लगता है धनिया। अगर काट के डालेंगे तो उसका टेस्ट पता नहीं क्यों नहीं आता है। तो आप ऐसे ही उसको डालिए, धनिया को बहुत अच्छी सुगंध आती है उससे। तो देखिए सबके लास्ट में मैं डालने वाली हूँ ये जीरा, जिसको मैंने अच्छे से भून लिया है थोड़ा सा, और इसको मैं इस चकले पे अच्छे से बेल लूँगी। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है फ्रेंड्स, इसको हम करने से ही हमारे चीज़ों में इतना अच्छा फ्लेवर आता है खाने के अंदर। और जो हम अगर उसको ऐसे ही डाल देते हैं तो उसका बिल्कुल भी मतलब एक अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हमें करनी चाहिए और हमारे खाने के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसको भी मैं अच्छे से इसमें मिला दूंगी, ये देखिए। तो अभी हमारा मसाला बनके एकदम रेडी हो चुका है, इसको हाथ से हम मैश कर लेंगे इसको अच्छे से, और उसके बाद हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इतना ही हमारे मतलब आलू के पराठे में ये चीज़ें चाहिए होती है, जो हम इजीली पराठा घर पे कभी भी बना के खा सकते हैं फ्रेंड्स,
जैसे मार्केट का कोई गरम मसाला कुछ भी यूज नहीं लेना चाहिए फ्रेंड, बहुत मिक्स चीजें आती है। जो भी करना आप घर पे ही मिला के बना के करिए। तो ये मसाला मेरा रेडी हो चुका है, अभी हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ पराठे। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, इसको गर्म कर लिया है, और ये हमारा हमारा डो भी मतलब सॉरी आलू की फिलिंग भी तैयार है। उसके बाद अभी मैं बनाने वाली हूँ आटे के। तो देखिए मैंने एक आटे का पेड़ा ले लिया है, और ये देखिए तो अभी इसको मैं बेल लूँगी अच्छे से। हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है रोटी को, छोटा सा रोटी बनाना पहले देखिए। और अभी मैं इसमें थोड़ी सी आलू की फिलिंग डाल दूंगी, ऐसे थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो फट जाएगा। और इसको अच्छे से घुमाते हुए हम तो अच्छी पेड़ी बना लेंगे ऐसे देखिए। इसके सूखा आटा लगाएंगे। तो अभी मैं इसको हल्के हाथों से बेल रही हूँ, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है इसको आलू के पराठे पे, हल्का हल्का ही हम प्रेस करते हुए बेलेंगे इसको। थोड़ा सा साइड से भी ध्यान रखिए, फटने का डर रहता है। ये देखिए अच्छा से हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है, अब हम इसको सेक लेंगे। तो मेरा यहाँ पे देखिए तवा एकदम गर्म है, मैं इसको डाल देती हूँ। तो अभी पराठे को पलट देंगे, ये देखिए पलट दिया मैंने। और इस पे हम घी लगा देंगे। अगर आप घी से नहीं बनाना चाहते, ऑयल से बनाना चाहते हो, रिफाइंड कुछ भी, तो आप उसी से बना सकते हो, लेकिन मैं घी से बना रही हूँ। ऐसे अच्छे से घी भी लगा देना इस पे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसको, ये देखिए दूसरी साइड भी मैं अच्छे से घी लगा दूंगी, कितना अच्छा हमारा पराठा बन रहा है। इसको हल्के हल्के ही सेकना है, नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, ज़्यादा जल जाएगा या कच्चा रह जाएगा। धीरे धीरे से ही सेकना है इसको। तो अभी मैं इसको पीछे से प्लेट दूंगी और थोड़ा सा दबा दबा के मैं इसे सेकेंगे, जिससे क्या अंदर से भी अच्छा सिक जाएगा ये। ये पराठे आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, टिफिन में दे सकते हैं, जिससे बच्चे की एनर्जी रहे, क्योंकि आलू के पराठे बहुत अच्छे रहते हैं बच्चों को देने। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ रोज बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है, कभी कभी बनाना है। थोड़ा दबाते हुए मैं इसको देखूँगी अच्छे से, थोड़ा बच्चों को क्रंची पसंद आता है। तो ये देखिए बनके अच्छे से रेडी हो चुका है। ऐसे इस प्रकार आप आलू के पराठे आसानी से घर पे बना सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।